दोस्तों, अगर आपके किसी सगे संबंधी की कंपनी में काम करते समय या बाहर कहीं पे भी अगर उसकी डेथ हो गई है और आपका आप उसका ऑनलाइन डेथ क्लेम फिल करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से आपको उसका डेथ क्लेम फिल करना है। आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, epfoindia.gov.in। इस वेबसाइट को खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा जो आपके सामने है। यहाँ पे आपको एक डेथ क्लेम का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे में, ये वाला डेथ क्लेम फिलिंग बाय बेनिफिशरी। ये जो पैसा है आपका, ये आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। जब आपने आपका जो भी जिसकी भी डेथ हुई है उसमें एक नॉमिनी अपडेट किया जाता है, ये पैसा उसी को मिलता है। तो उसी की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। यूएन नंबर आपको मैं यहाँ पे बता दूं किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आपको एक बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी या चेक लगा सकते हो आप कैंसिल, और एक आपको जो है डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। 2 MB का मैक्सिमम साइज होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको मैं यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, आप उसमें जो भी फाइल का नाम डालेंगे जैसे डेथ सर्टिफिकेट डालेंगे तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट एक साथ लिख दें और इसी तरह से चेक उसका जो फाइल का नाम है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आपको यहाँ पे यूएन नंबर डालना है, जिस जो भी बेनिफिशरी का जो है नॉमिनी है उनका यूएन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और इसके बाद में नीचे वाले ऑप्शन कॉलम में आपको उनका आधार नंबर डालना है, जो भी बेनिफिशरी है उनका आधार नंबर डालना है। तीसरे नंबर वाले कॉलम में बेनिफिशरी का नाम डालना है और चौथे वाले कॉलम में आपको बेनिफिशरी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी नॉमिनी है उनकी डेट ऑफ बर्थ तीसरे वाले कॉलम में यहाँ पर डालनी है। पहले में यूएन नंबर, दूसरे में उनका आधार नंबर, तीसरे में नाम और चौथे में डेट ऑफ बर्थ। ये कैप्चर आपको यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में डालना है और इसके बाद में गेट ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके जो नॉमिनी है उनके आधार पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो है वैलिडेट करेंगे, तो चलिए हमारे पास ओटीपी आ चुका है, ओटीपी एंटर करते हैं, वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको दो क्लेम यहाँ पे दिखाई दे रहे, एक तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे, एक फिल डेथ क्लेम का और ई साइन का। तो आपको फिल डेथ क्लेम पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो भी बेनिफिशियरी हैं, जो जिनकी डेथ हुई है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, वो किस कंपनी में वर्क करते थे, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। साथ में नॉमिनी की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कब उन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग करी थी, कब उन्होंने जो है कंपनी को छोड़ा है, और डेथ ऑफ रीजन में डेथ इन सर्विस ही आपको लिखवाना है जो कंपनी लिख करके देगी। दोस्तों क्या होता है, जैसे इन केस अगर कंपनी के अंदर डेथ होती है तो आपको तीनों फॉर्म फिल करने होते हैं। अगर आप सही से रीजन दे पाते हो समय पे कंपनी को कि इस वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई है, और वो पूरा रीजन अगर आप कंपनी को लिख करके दे देते हो तो आपको यहाँ पे डेथ इन सर्विस कंपनी लिख करके दे देती है। यहाँ पे आपको जो है बेनिफिशियरी है उनका डेथ सर्टिफिकेट, जो भी जिनकी भी डेथ हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैंने जैसा कि बताया आपको फाइल के नेम में स्पेस नहीं देना है। ये PDF फॉर्मेट में आपको पहले से स्कैन करके रखने, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप डेथ यहाँ पर लिख सकते हैं इसके फाइल नेम में। अगर ये गलती करेंगे तो ये आपका फॉर्म एंड में जाकर रुक जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको जो भी नॉमिनी है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसके बाद में कुछ डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर कुछ नहीं आती है तो आप उनके जो भी नॉमिनी है उनके आधार कार्ड में उनका एड्रेस सेम टू सेम जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम एड्रेस फिल कर देते हैं उनका नॉमिनी का। जो भी नॉमिनी के आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपने एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद में जो एड्रेस लिखा है यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे ये पिन कोड और आपको सिटी यहाँ पे, ये तीनों फॉर्म आपके सामने तभी आएंगे जब आपको कंपनी, जब आप अच्छे से रीजन वहां पे कंपनी में डेथ ऑफ सर्टिफिकेट में रीजन दे दोगे तभी ये तीनों फॉर्म खुल करके आएंगे। नहीं तो आपको जैसे हमारे केस में आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट एलिजिबल 10D फॉर्म है, वो नॉट एलिजिबल है। जो कि पेंशन मिलती है जो भी नॉमिनी उनको पेंशन दी जाती है, इसमें एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम समय पर कंपनी में डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, तो कंपनी ने अपने आप जो है डेथ इन सर्विस यहाँ पे डाल दिया था कुछ समय बाद। तो टाइम से पहले अगर आप दे दोगे डेथ सर्टिफिकेट और सही से रीजन उसमें दे दोगे तो ये यहाँ पे कंपनी आपको डेथ इन सर्विस लिख करके दे देगी और फिर आप तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे दो फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो कि इंश्योरेंस क्लेम का है और दूसरा हमारा है जो हमारे PF का क्लेम है फॉर्म 20। तो जो 10D फॉर्म है वो हम यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। तो जो दो फॉर्म है सिर्फ ये दो फॉर्म ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इन पे आपको टिक मार्क कर देना है। तो जैसे ही टिक मार्क करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जब यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करनी होगी। जो भी नॉमिनी है उनका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में आपको IFSC कोड डालना है, तो ऑटोमेटिक बैंक का नाम और ब्रांच का नाम आपके सामने लिख करके
आ जाएगा। इसके बाद में आपको एक फाइल यहाँ से अपलोड करनी है, चेक जो मैंने बताया था कैंसिल चेक, आपको पहले ही पीडीएफ में 2 MB से कम का स्कैन करके रख लेना है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो जब इसको यहाँ पे आप डाल दोगे तो यहाँ पे जैसे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल दोगे तो ब्रांच का नाम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में उसको जो चेक हमने स्कैन करके रखा हुआ है उसको अपलोड करेंगे और इसके बाद में नीचे जो टिक मार्क दिया हुआ है इस पर टिक करेंगे। तो ये देखो हमने अकाउंट नंबर डालते ही हमारी बैंक और ब्रांच की डिटेल आ चुकी है। चलिए यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं अपने चेक की फोटो। यहाँ से चेक अपलोड करेंगे, इसके बाद में इस पर टिक मार्क करेंगे, ये कैप्चर यहाँ पर टाइप करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए कैप्चर टाइप कर देते हैं और उसके बाद में जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी नॉमिनी है उनके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है, वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। तो जैसे ओटीपी एंटर करके सबमिट क्लेम पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो चलिए ओटीपी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और सबमिट क्लेम पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सबमिट क्लेम पे क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने जो है थोड़ी देर में, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा समय लगता है तो थोड़ा पेशेंस रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया सिर्फ आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, आपको फाइल के नेम में स्पेस नहीं देना है, स्कैन कर किए हुए डॉक्यूमेंट आपके 2 MB से कम होने चाहिए और जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो फॉलो करें। तो ये देखो सक्सेसफुली हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, ये देखो क्लेम जनरेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपके सामने ये क्लेम सक्सेसफुली जनरेट हो गया। आपको व्यू सबमिटेड क्लेम पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से इसको ई साइन करना होगा। ई साइन करने के लिए आपको जो लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ई साइन होता है आधार के थ्रू, तो आपको ई साइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद में नॉमिनी का आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। नॉमिनी का आधार नंबर एंटर करने के बाद में आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो फिर से आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी फिर से भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी जैसे ही आप एंटर करके सबमिट करेंगे आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, फिर आप उसको ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, मैं आपको बता चुका हूं पूरा प्रोसेस कि इस तरीके से आपको। तो चलिए सारी डिटेल हम यहाँ पे फिल करके ओटीपी वगैरह डाल के जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ई साइन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इस फॉर्म को जाके ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे हमारा स्टेटस दिखाना शुरू कर देगा, जो भी हमारे दोनों क्लेम है वो पेंडिंग में वहां पे दिखा देगा। तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म अप्लाई करना है। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।